साथियों, हमारी सरकार मछली उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हजारों महिलाओं को मदद दी गई है। आप भी जानते हैं कि मछली पकड़ने के लिए जाने वाले लोगों को अपने जीवन का खतरा भी उठाना पड़ता है। घर की महिलाएं, पूरा परिवार चिंता में जीता था। हम आधुनिक टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट की मदद से इन खतरों को भी कम कर रहे हैं। आज जो ये वेसल कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू हुआ है, वो तो हमारे मच्छीमार भाई बहनों के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। सरकार मछली पकड़ने वाले जहाजों पर 1,00,000 ट्रांसपोंडर लगाने जा रही है। इसकी मदद से हमारे मछुआरे साथी अपने परिवारों से, बोट मालिकों से, फिशरीज डिपार्टमेंट से, समुद्र की सुरक्षा करने वालों से हमेशा जुड़े रहेंगे। चक्रवात के समय, समुद्र में किसी अनहोनी के समय हमारे मछुआरे साथी जब चाहे अपना संदेश सैटेलाइट की मदद से किनारे पर संबंधित लोगों को भेज पाएंगे। संकट के समय आपका जीवन बचाना, आप तक सबसे पहले पहुंचना सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, मच्छीमार भाई बहनों के जहाज सुरक्षित लौट सके, इसके लिए 110 से ज्यादा मच्छी बंदरगाह और लैंडिंग सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। कोल्ड चेन हो, प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो, नाव के लिए लोन की योजना हो, या पीएम मत्स्य संपदा योजना हो, ये सारी योजनाएं मच्छीमार भाई बहनों के हित के लिए ही बनाई गई है। हम तटीय गांवों के विकास पर और ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मच्छीमार सरकारी संस्थाओं को भी, सहकारी संस्थाओं को भी मजबूत बनाया जा रहा है।